प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर दौरे के आखिरी दिन अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच आसियान और दक्षिण चीन सागर के अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हुई बात। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के चांगी नौसेना बेस का भी किया दौरा। इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के सफल दौरे के बाद लौटे स्वदेश। ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका दौरे पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका डायलॉग फोरम में भी करेंगे शिरकत। जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी उजागर करने वालों की पहचान रखी जाएगी गुप्त। मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा, आयोग उठा रहा है जरूरी कदम। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किए गए मोबाइल ऐप पर मिली थी 780 शिकायतें। अभिनेता अरबाज खान ने मानी आईपीएल मैचों में सट्टा लगाने की बात। थाने पुलिस का दावा, अरबाज 6 साल से कर रहे थे सट्टेबाजी। आरोपी बुकी सोनू जलान से आमने सामने की पूछताछ में हुआ खुलासा। उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश से मृतकों की तादाद बढ़कर हुई 17। बिजली गिरने से पिछले 48 घंटे में पश्चिम बंगाल में 9 लोगों की मौत। दिल्ली एनसीआर में तूफान की फिर चेतावनी।